कोरोना महामारी के दौरान अब ब्लैक फंगस चिंता का कारण बन गया है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। वहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु में इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके मरीजों के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इससे कोरोना मरीजों की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे सामने यह एक चुनौती है। कल राज्य जो के कोरोना मरीजों के म्यूकर माइक्लोसिस नाम के फंगस इन्फेक्शन का सामने आया है। यह खासतौर पर उन मरीजों को दिखाई दे रहा है जिन्हें स्टेरॉयड थेरेपी दी गई और जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित है। इस बीमारी का इलाज कई मोर्चों पर करना होता है। इसके आइजन ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन और डेंट मैक्सिकुलर सर्जन भी शामिल है। इस इलाज में एक्टिव थायरेसिन बी इंजेक्शन के इस्तेमाल के तौर पर किया जाता है जो कि एक एंटीफिलिट मेडिसिन है। ब्लैक फंगस की महामारी 1897 के तहत काफ़ी गंभीर घोषित कर दी गई है। इस तहत सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के ब्लैक फंगस के निजीकरण और पहचान, इलाज और इसके मैनेजमेंट की केंद्र स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ICMR द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की व्यवस्था की गई है। ब्लैक फंगस सभी मामलों पर रिपोर्ट जिला स्तर के चीफ मेडिकल अफसर को द्वारा प्राप्त हो रही है। इंटीग्रेट डिवीजन सिस्टम प्रोग्राम सर्विलांस सिस्टम में भी इसकी जानकारी दी जा रही है। देखिए, इस पे बताओ कि ये जहाँ तक बात है फंगस को सभी जगह आप देखिए, जैसा एक रिंगवर्म है जिसको आप बोलते हैं, कहीं भी किसी को हो सकता है। यूजुअली ये हार्ट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। फंगस तो सभी जगह, उस केस को सभी जगह पाए जाते हैं। जो ये फंगस इस फैमिली का फंगस है, आप देखें ऐसा ब्लड है, बहुत पुरानी हो जाती है। आप उससे देखें हल्का ब्लैक स्पॉट्स हो, ब्लैक स्पॉट फंगस जब तो फंगस वो इसी ग्रुप का फंगस है, रेजोफर्स फंगस है उसी ग्रुप का ये भी है, तो वो फंगस देखा। दूसरा अगर उस पर देखें एक संतरा है, संतरा देखते हैं ज़्यादा चिपका रहता है, अगर चेहरे पड़ा रहता है और उसमें ह्यूमिडिटी है, पानी पड़ गया, देखा कई दिन तो पड़ा है, उस पर भी लोगों को फंगस। तो ये कहने का होता है कि फंगस सब जगह, जहाँ तक ये नॉर्मली भी आता रहता है लेकिन सबको इन्फेक्ट नहीं करता है, वो ज़्यादातर उनको इन्फेक्ट करता है जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है या इनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उनको ज़्यादा, तो या जैसे बहुत से पेशेंट हैं उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, रीनल ट्रांसप्लांट और किसी ट्रांसप्लांट हुआ है, और उस ट्रांसप्लांट के समय उनको लॉन्ग टर्म में इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं और स्टेरॉइड दिया जाता है उसमें। दूसरा ये पोस्ट वायरल, कोई भी पोस्ट वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये जो कोरोना 19 वायरस है, उस कोरोना 19 वायरस में ये अलग देखिए इसमें दवा दी जाती है इम्यूनोसप्रेसिव, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कम करने के लिए स्टेरॉयड है वो ये दिया जाता है। अगर लंबे समय तक स्टेरॉयड ज़्यादा डोज में दे दिया जाए तो उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, डायबिटीज है उससे कंट्रोल, या उसके साथ साथ पहले से ऐसी बीमारी है जो किडनी ट्रांसप्लांट अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं तो इससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों में ये वायरस नॉर्मली पाए जाते हैं, तो उसमें जब भी कभी इम्यूनिटी कम होती है, सुबह दे देते इन्फेक्शन, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसमें इस समय ये देखा गया है, इसमें ये म्यूकर माइक्रोम्यूकर जो फंगस है इसको ज़्यादा इसमें इन्वायरमेंट ज़्यादा इसको ग्रो कर रहा है। तो उसमें सबसे खास बात यह है कि ये थोड़ा सा डेंजर इसलिए है कि ये चारों तरफ जो ग्रो करके जो भी ब्रेसल्स हैं उसको ब्रेसल में जाके ग्रो करके इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है। जब भी वैसे में थ्रोम्बोसिस हो गया उसको ब्लॉक कर देगा, तो आगे ब्लॉक करेगा तो आगे सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उसमें नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस होने से नेक्रोसिस हो गई, ब्लड सप्लाई नहीं है तो ब्लैक पड़ जाता है, इसलिए इजीली इसलिए इसको ब्लैक फंगस करना है। सर, इससे बचाव कैसे करें? डायबिटीज का सबसे बड़ी बात कि इसमें डायबिटीज, अगर उनको डायबिटीज का कंट्रोल करना चाहिए, समय समय जाँच करें, उसी के अनुसार डॉक्टर सलाह लेके उस पर डोज एडजस्ट करना पड़ता है। अगर किसी इंसुलिन चल रही तो उस कितने मात्रा में इंसुलिन लेना है, या ओरल दवा चले एंटी डायबिटिक उसकी कितने दवा मात्रा में लेना है कंट्रोल। दूसरा, जो नॉर्मली लोग उसमें जब भी
कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उसमें कितना बहुत स्टेरॉयड, ऐसे में कुछ लोग अपने आप बिना जाने हुए जानकारी नहीं है स्टेरॉयड शुरू कर देते हैं, हेवी डोज में शुरू कर देते हैं, तो उनको कब करना है, कितने समय लेना है, कब कम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए तभी। दूसरी बात, इसमें जो मास्क लगाया जाता है उसकी साफ सफाई रखना, उसको बीच में जो पानी है उसको बीच बीच में उसको चेंज करना चाहिए क्योंकि फंगल के चांसेस उसका ग्रो करने के रहते हैं, ज़्यादातर वो चेंज करना चाहिए और मास्क वीक की सफाई रखना चाहिए जिससे कि ज़्यादा समय तक उससे मास्क उससे हो सकता है उसका।